आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। खाद्य तेलों में फिर महंगाई का तड़का लग गया है। सोयाबीन से लेकर मूंगफली के तेल में बीते 10 दिनों में 15 रुपए लीटर की तेजी आ गई है। तेल व्यापारियों की माने तो आने वाले दिनों में यह तेजी कायम रहेगी। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के बीच खाद्य तेल के बढ़ते दामों ने आम नागरिकों को परेशानी में डाल दिया है। पिछले महीने खाद्य तेलों की कीमतों में कुछ गिरावट आई थी, लेकिन लगन सरा का सीजन शुरू होते ही तेलों के दाम फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 10 दिनों के भीतर ही तेल के दाम 15 से 20 रुपए लीटर तक बढ़ चुके हैं। 10 दिन पहले सोयाबीन तेल के 1 लीटर का पैक 150 रुपए में मिल रहा था, जो कि अब बढ़कर 165 रुपए हो गया है। इसी तरह मूंगफली तेल का 1 लीटर पैक 165 रुपए था, जो कि अब 185 रुपए लीटर हो गया है। तेल के दाम ब्रांड के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी ब्रांड के तेलों के दाम बढ़ गए हैं। लगन सरा में खाद्य तेल की मांग बढ़ते ही कीमतों में उछाल आने लगा है। थोक में तेल के दाम 7 से 10 रुपए लीटर तक बढ़ गए हैं। देश में खाद्य तेल की अधिकांश आपूर्ति विदेश से ही होती है। फुटकर में बिकने वाले सोयाबीन के तेल में पाम ऑयल का उपयोग होता है, लेकिन पिछले एक पखवाड़े से पाम ऑयल का आयात ठप हो गया है, जिसकी वजह से खाद्य तेलों के दामों में वृद्धि हो रही है। व्यापारियों के अनुसार आगामी एक पखवाड़े में खाद्य तेल की कीमत 200 रुपए लीटर के पार हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।